इस संकल्प पत्र के लॉन्चिंग के अवसर पर हम सब लोग यहां एकत्र आए हैं और कार्यक्रम में हम सबको आदरणीय प्रधान का संबोधन पत्र अगले 20 से चार से इसकी सेवा प्रधानमंत्री नेतृत्व में करेंगे इसके बारे में आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में आने अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी जब भी पार्टी के साथ वो अपने आप को जोड़ते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि तमाम प्रधान प्रशासक होने के नाते जिम्मेवारियों को निभाते हुए पार्टी उनकी हमेशा पहली प्रायोरिटी रही है और पार्टी को वो हमेशा जब भी हमने समय मांगा तो उनका मिला है। आज वो फिर इस चुने और अन्य व्यस्तताओं के बीच में आप हम सबके बीच में हैं, आपका पुनः अभिनंदन और स्वागत है। रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती है, हम सब की ओर से उनको श्रद्धांजलि पूर्वक नमन। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन न्याय के लिए ताकत के साथ सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने जीवन भर लड़ी। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते चलते हुए भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस विचार को और सामाजिक न्याय की लड़ाई सत्ता में रहे तो भी और सत्ता में न रहे तो भी हमेशा इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम सब लोगों ने लड़ा है। हम जानते हैं कि आज संकल्प पत्र की को लॉन्चिंग होगी लेकिन हम सबको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और शुरू में जल से लेकर वैचारिक आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी होने के नाते एक विचारों को लगातार आगे बढ़ा सब लोग सम्मिलित हैं और हर बार जब चुनाव आता है तो उसी वैचारिक यात्रा को आंका है और उसको आगे बढ़ाया है। जिस बात को 1952 में श्यामा प्रसाद जी ने कही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगे बढ़ाया, उस विचारधारा से हम कभी डिगे नहीं, हम उसको समर्पित रहे और उसको आगे बढ़ाने में हम सब लोगों ने भरसक प्रयास किया है। और हम कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र यह उस विचारधारा उस वैचारिक अधिष्ठान का अनफोल्डमेंट है, उसी को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए उस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं एक समय में हमने एकात्म मानववाद की बात कही, उसी को आगे हम लोगों ने जब हम सरकार में आए तो अंत्योदय के रूप में हम लोगों ने उसको स्थापित किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सरल भाषा में सबको समावेश करते हुए और सबकी भाषा में उसको सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास से जोड़ते हुए नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे याद है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जब देश की जनता क्लियर मैंडेट देती है तो नतीजे भी बड़ी स्पष्टता के साथ आते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा वोट शेयर 31% पहुंचा, 282 सीटें हमने लोकसभा की जीती
और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और हमारा वोट शेयर 37.3% तक पहुंचा और हमारा वो सीट शेयर 303 सीटें हम लोगों ने लोकसभा में जीती। हम ये कह सकते हैं कि इस क्लियर मैंडेट को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए, दलित के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे वंचित भाइयों के लिए उनको समर्पित किया। और उसी तरीके से अगर मैं गांव की बात करूं तो आज गांव, मैं यहां प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय जरूर लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे याद है 1993 में मैं पहली बार विधायक बना था। उस समय हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90% के गांवों को घूमने के लिए पैदल जाना पड़ता था। आज हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सड़क 3,80,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड बना और ऑल वेदर रोड के माध्यम से पक्की सड़कें बनी। आज हमारे इलाकों में कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां हम पक्की सड़क से पहुंच नहीं सकते हैं। यह बदलता भारत की तस्वीर हमने देखी है। उसी तरीके से अभी 60,000 नए गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ है और ऑल वेदर रोड्स बनी हैं। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि गांव का सशक्तिकरण होगा, कभी गांव में भी कोई ऑप्टिकल फाइबर पहुंचेगा, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आपके नेतृत्व में 2 लाख पंचायतों को आपके नेतृत्व में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और उनको भी इंटरनेट फैसिलिटीज के साथ जोड़ा गया है। गरीब कल्याण की बात करें तो एक समय में ये असंभव सी बात लगती थी कि हम गरीब तक अन्न पहुंचा सकेंगे, लेकिन आपने त्रासदी में भी अवसर ढूंढ करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम को आगे बढ़ाया। 80 करोड़ की जनता को या तो 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल या और 1 किलो दाल ये देने की व्यवस्था की। आज उसके कारण हम ये कह सकते हैं कि लगभग 25 करोड़ लोग, भारत की आबादी आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ करके अबव पॉवर्टी लाइन में आ गई, बिलो पॉवर्टी लाइन से निकल गई, ये भी हमारे ध्यान में। और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार अति गरीबी भारत में अब 1% से भी कम हो गई है, 0.08% पर लाकर के खड़ा किया है। उसी तरीके से आवास योजना, मैं यहां बार बार सुनाता हूं और मुझे वो बार बार इच्छा भी होती है बताने की, क्योंकि वो धरातल की सच्चाई थी। एक समय में हमारे यहां हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आके बताता था कि एमएलए साहब, आपके यहां एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2, अब बताओ इसको किसको दें। और मेरे लिए प्रश्न होता था कि ये किसको दें, क्योंकि 1 अनार 100 बीमार मैं किसके दूंगा। मैं बीडीओ साहब को कहता था कि आप ही तय करो कौन से मापदंड पर आप दे सकते हो, लेकिन आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के घर बन गए। और आगे भी इस कार्य को आगे जारी रखा गया है। उसी तरीके से महिलाओं की चिंता की बात करें, आज जनधन खाते में 50 करोड़ में से 55.5% जनधन खाते महिलाओं के नाम पर खाते खुले हैं, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उज्ज्वला योजना, ये योजना आप सब लोग शहर में रह करके, आपको लगता होगा हाँ गैस का सिलेंडर मिल गया, लेकिन ये इतनी ही छोटी कहानी नहीं है। हमारी बहनें गांव में 5 बजे सुबह उठती थी, जंगलों में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, आकर के चूल्हा जलाती थी, फूकनी से फूक फूक करके चूल्हा जलाती थी, धुआं को अपने छातियों पर लेती थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर होता था और आंखों में पानी आता था और घंटों के बाद वो जाकर के चाय बना पाती थी। आज 5 मिनट के अंदर गैस के चूल्हे के कारण नारी सशक्तिकरण किस तरीके से हुआ इस उज्ज्वला गैस के कारण, और 10 करोड़ सिलेंडर्स इस तरीके से और गैस के कनेक्शन दिए गए।